फ्रेंड्स नमस्कार, मैं अनिरुद्ध सिंह गोहिल आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में जो है वो हम इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स के रिगार्डिंग बात करेंगे। इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स जो है वो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस वाइज, यानी कि जब आप प्रैक्टिकली किसी फॉल्ट का ट्रबल शूटिंग करते हैं तब इलेक्ट्रिकल ड्राइंग जो है वो बहुत ही यूजफुल टूल होता है, क्योंकि आपका कहाँ पर फॉल्ट हुआ है वो फाइंड आउट यानी कि ट्रबल शूट करने के लिए इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स का यूज़ किया जाता है प्रैक्टिकल वर्ल्ड में। तो इस वीडियो में जो है वो हम इलेक्ट्रिकल ड्राइंग की बात करेंगे। बेसिक फंडामेंटल ड्राइंग पढ़ने का हर एक में सेम ही रहता है, कुछ चीज़ें जो है वो स्टार्टर बाय स्टार्टर या फिर उसके कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार जो है वो चेंज होती है, लेकिन बेसिक फंडामेंटल जो होता है वो हर एक ड्राइंग में सेम ही रहता है। तो यहाँ पर हम एकदम क्लियर और सिंपल लैंग्वेज में जो है वो इलेक्ट्रिकल ड्राइंग जो है वो देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम DOL डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का जो है वो हम डायग्राम देखने वाले हैं कि DOL स्टार्टर जो होता है उसको कैसे पढ़ा जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स को जो है वो कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, उसमें अगर कोई भी फॉल्ट होता है तो हम कैसे चेक कर सकते हैं, और यहाँ से जो है वो हमारे थियोरेटिकल वाला कंसेप्ट जो है वो भी स्ट्रॉन्ग होता है, यानी कि प्रैक्टिकली जब हम ट्रबल शूट करते हैं तो हमें ईच एंड एवरी कंपोनेंट का एप्लीकेशन भी हमें प्रैक्टिकली समझ में आता है, जो हमारे थियोरेटिकल कंसेप्ट को भी सपोर्ट करता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर DOL स्टार्टर का ड्रॉइंग जो है, DOL स्टार्टर का ड्रॉइंग जो है वो मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, ठीक है। हर एक कंपोनेंट का जो है वो क्या मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपको ड्राइंग से पहले ही पूरा इंडेक्स में दिया होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है वो मैं आपको बताता जाऊँगा। हालांकि जैसे कि ये चीज़ है तो ये क्या रिप्रेजेंट करती है, तो ये फ्यूज है, ठीक है। ये जो है वो फ्यूज है, ये फ्यूज है, यहाँ पर जो है वो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है। तो इस हिसाब से जो है वो एक इंडेक्स पहले रहती है, उसमें हर एक कंपोनेंट का जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है वो लिखा हुआ रहता है, ठीक है। अब DOL स्टार्टर डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर जो है वो हमें पता है कि इंडक्शन मोटर के स्टार्ट करने के लिए यूज होता है। तो ये हमारी मोटर रही, ठीक है, एकदम सिंपल है। आप सिंपल लैंग्वेज में देखिए, ये इंडक्शन मोटर है। इंडक्शन मोटर में यहां पर देखिए ये वाला जो है वो सर्किट ब्रेकर है। 52 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका सर्किट ब्रेकर, ये क्या है सर्किट ब्रेकर है, ठीक है, ये सर्किट ब्रेकर है। तो देखिए जैसे ही आप सर्किट ब्रेकर ऑन करते हैं तो यहां पर 88 नंबर का जो है वो कॉन्टेक्टर है, ये क्या है आपका मेन कॉन्टेक्टर, मेन कॉन्टेक्टर, ठीक है। ये जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है नॉर्मली ओपन, ये देख लीजिए, ये जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट, ठीक है। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट, यानी कि जब आपके कॉइल को यहां पर जो है वो कॉइल को जो है वो अगर सप्लाई मिल रहा है, कॉइल का सप्लाई जो है वो प्रेजेंट है, कॉइल का सप्लाई जो है वो अगर प्रेजेंट है तो ये क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा, ठीक है, ये क्लोज हो जाएगा। और अगर आपका कॉइल का सप्लाई जो है वो एब्सेंट है, सप्लाई जो है वो एब्सेंट है तो ये ओपन ही रहेगा। नॉर्मली ओपन का मीनिंग क्या होता है देखिए, नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट का मीनिंग अगर आपको नहीं पता है तो यहां पर देख लीजिए, यहां पर जो कॉन्टेक्टर की कॉइल होगी, ठीक है, कॉन्टेक्टर की कॉइल भी हम देखेंगे, लेकिन कॉन्टेक्टर की कॉइल को अगर सप्लाई मिल रहा है तो ये क्लोज हो जाएगा। अगर कॉइल का सप्लाई एब्सेंट है मतलब कॉइल को सप्लाई नहीं मिल रहा है तो ये ओपन ही रहेगा, ठीक है। सिमिलरली यहां पर भी देखिए, सिमिलरली यहां पर भी अगर कॉइल को सप्लाई मिल रहा है, कॉइल को जो है वो सप्लाई प्रेजेंट है, सप्लाई प्रेजेंट है तो ये क्या रहेगा ओपन हो जाएगा। ये नॉर्मली क्लोज है तो ये ओपन हो जाएगा, क्लोज है तो ओपन हो जाएगा। और अगर ये कॉइल जो है उसको सप्लाई एब्सेंट है, उसकी सप्लाई जो है वो एब्सेंट है तो ये क्या रहेगा क्लोज ही रहेगा, ठीक है, यानी कि शॉर्ट सर्किट।
ये नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज जो कॉन्टेक्ट है उसका मीनिंग आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर वापस ड्रॉइंग पे आ जाते हैं। देखिए ये नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट है, देखिए नॉर्मली ओपन यानी कि 88 नंबर के कॉन्टेक्टर की कोइल, 88 नंबर के कॉन्टेक्टर की कोइल जो है वो यहां पर है। देखिए इसको जब तक सप्लाई नहीं मिलेगा, इसको जब तक सप्लाई नहीं मिलेगा तब तक ये ओपन रहेगा, जब सप्लाई मिलेगा तो ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो सप्लाई जो है वो पावर यहां से यहां फ्लो करेगा। ठीक है, करंट जो है वो आपका यहां से यहां फ्लो करेगा, जब 88 नंबर की कोइल को सप्लाई मिलेगा तब नॉर्मली ओपन क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 51 नंबर का कुछ दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये क्या है आपका, ओवरलोड रिले। ओवरलोड रिले, ओवरलोड रिले क्या करता है, ओवरलोड रिले जो है वो फॉल्ट को, ओवर करंट को सेंस करता है कि जब भी आपका मोटर जो है वो ओवर करंट ड्रॉ करता है, ओवर करंट ड्रॉ करता है ड्यू टू मेनी रीजंस लाइक फेस टू फेस शॉर्ट सर्किट, या फिर फेस टू ग्राउंड शॉर्ट सर्किट, ठीक है, या फिर लोड बढ़ गया, तो कई रीजंस होते हैं उसकी वजह से, कई एबनॉर्मल कंडीशन की वजह से जो है वो मोटर ज्यादा करंट जो है वो ड्रॉ करता है, तो वो ज्यादा करंट सेंस कौन करता है, ओवरलोड रिले। ओवरलोड रिले सेंस करेगा और वो सर्किट को कमांड देगा कि यहां पर कुछ एबनॉर्मल जो है वो सिचुएशन है, आप जो है वो ये फॉल्टी पार्ट को डिस्कनेक्ट कर दीजिए हेल्दी पार्ट से। ठीक है, वो कैसे करता है वो भी हम आगे देखेंगे। देखिए वन बाय वन हम जाते हैं, ये क्या है आपका, फ्यूज है। ठीक है, मैंने बताया ये आपका फ्यूज रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फ्यूज नंबर वन है फॉर एग्जांपल। सिमिलरली यहां पर भी फ्यूज है, देखिए ये फ्यूज है, ये भी फ्यूज है, और यहां पर देखिए, यहां पर देखिए ये नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट है, नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट है। ठीक है, ये नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट है, ये देखिए मैंने सेम कलर से क्यों, क्योंकि ओवरलोड, ओवरलोड रिले देखिए 51 स्मॉल बी, यानी कि 51 जो ओवरलोड रिले है उसका कॉन्टेक्ट यूज किया हुआ है, और कौन सा कॉन्टेक्ट, नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट, मतलब कि नॉर्मल सिचुएशन में जो है वो ये क्लोज ही रहेगा, लेकिन जब ओवर करंट फ्लो होगा, नॉर्मल सिचुएशन में जो है वो नॉर्मल करंट फ्लो होगा, रेटेड करंट फ्लो होगा, तो यहां पर जो है वो क्लोज ही रहेगा, लेकिन जब ओवर करंट फ्लो होगा तब जो है वो ये नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो ये यहां का सर्किट और ये वाला सर्किट, ऊपर और नीचे का सर्किट जो है वो आइसोलेट हो जाएगा। ठीक है, यहां से यहां करंट फ्लो नहीं होगा जब ओवरलोड की सिचुएशन होगी। ठीक है, अब आगे देखिए यहां पर देखिए ये कुछ स्टॉप पुश बटन है, ये जो है वो स्टार्ट पुश बटन है, और यहां पर कुछ कॉन्टेक्ट दिखाया हुआ है, नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट। ठीक है, देखिए थियोरेटिकली अगर यहां पर आपको कुछ ऐसा कॉन्टेक्ट दिखाया हुआ है ना कहीं पे भी, तो ये जो है वो नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट हुआ। ठीक है, अगर आपको जो है वो यहां पर कुछ ऐसा कॉन्टेक्ट दिखाया हुआ है तो ये क्या होता है, नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट। नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज का मीनिंग मैंने आपको समझा दिया ऑलरेडी। ठीक है, तो यहां पर देखिए ऑलवेज याद रखिए, देखिए प्रैक्टिकली जो है ना स्टॉप पुश बटन जो आपका होता है यूजुअली रेड कलर का रहता है। किस कलर का रहता है, यूजुअली जो है वो आपका रेड कलर का स्टॉप पुश बटन, जो आप घर पे मोटर वगैरह में भी स्टार्टर में जो है वो क्लोज करते होगे, तो वो रेड कलर का रहता है, रेड कलर का आप बंद करने के लिए यूज करते हैं जो बटन, वो यूजुअली कैसा रहता है, नॉर्मली क्लोज रहता है। ठीक है, ये नॉर्मली क्लोज रहता है, मतलब कि जब आप बटन पुश करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, जब आप पुश करेंगे, आप जो है वो पुश करेंगे स्टॉप बटन को, रेड कलर का जो स्टॉप बटन है उसको पुश करेंगे तो वो ओपन दिखाएगा, और अगर आप फिर से वापस ले लेंगे उसका हाथ जो है वो वापस ले लेंगे तो यहां पर फिर से नॉर्मली क्लोज हो जाएगा। ठीक है, पुश जो है वो हटा लेंगे, आपका हाथ जो हटा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा फिर से, मतलब कि नॉर्मल सिचुएशन में वो क्लोज रहता है, जब आप पुश करते हैं तो वो ओपन हो जाता है, सिंपल। और सिमिलरली जो है वो आपका स्टार्ट बटन जो होता है यूजुअली ग्रीन कलर का रहता है, यूजुअली ग्रीन कलर का रहता है, तो आपका स्टार्ट पुश बटन जो है,
स्टार्ट पुश बटन जो है वो प्रैक्टिकली कैसा रहता है, नॉर्मली ओपन। कैसा रहता है, नॉर्मली ओपन, मतलब कि जब तक आपने दबाया नहीं है तब तक वो ओपन रहेगा, और जब आप पुश करेंगे तो वो क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ये क्लोज हो जाएगा कब, जब आप पुश करेंगे स्टार्ट पुश बटन को। ठीक है, मतलब कि स्टॉप पुश बटन को नॉर्मल सिचुएशन में जब पुश नहीं किया तब क्लोज रहेगा, सर्किट क्लोज रहेगी ऐसे। ठीक है, और जब आप पुश करते हैं तो वो ओपन दिखाएगा। ठीक है, जब आप पुश करते हैं तो वो ओपन दिखाएगा। स्टार्ट पुश बटन में एग्जैक्ट अपोजिट, मतलब कि नॉर्मल सिचुएशन में ओपन रहेगा, जब पुश करेंगे तो क्लोज होगा। अब देखिए सिमिलरली यहां पर, अब देखिए ये पुश बटन देखिए नॉर्मली क्लोज है, स्टॉप पुश बटन देखिए नॉर्मली क्लोज है, यहां पर स्टार्ट पुश बटन देखिए, स्टार्ट, ये स्टार्ट जो है ये रेड कलर का होगा। ठीक है, प्रैक्टिकली कलर तो कोई भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यूजुअली जो है वो ये कलर यूज किया जाता है, और यहां पर ये जो है वो स्टार्ट पुश बटन यूजुअली ग्रीन कलर का रहेगा। ठीक है, और ये देखिए नॉर्मली ओपन है, ये नॉर्मली क्लोज है, ये भी स्टार्ट पुश बटन है, इसके पैरेलल में लिया हुआ है। ठीक है, और यहां पर एक कॉन्टैक्ट है। देखिए, अब देखिए, अब जो है वो जब मैं सर्किट ब्रेकर ऑन करूंगा, पहले जो है वो सर्किट ब्रेकर ऑफ कंडीशन में होगा। ठीक है, ऑफ कंडीशन में होगा तो RYB या RST से जो थ्री फेज पावर आ रहा है वो यहां नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये सर्किट ब्रेकर आइसोलेट कंडीशन में है। लेकिन जब मैं सर्किट ब्रेकर ऑन करूंगा तब क्या होगा, देखिए तब ये जो पावर है वो यहां तक आएगा। ठीक है, यहां से यहां तक आएगा, लेकिन यहां पर तो नॉर्मली ओपन है, तो अभी तो कुछ यहां से यहां पावर ट्रांसफर होगा नहीं, पावर ट्रांसफर नहीं होगा तो मोटर भी आपकी स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अब देखिए, अब आपने जो है वो आपका पावर यहां तक तो आ चुका है, यहां से टैपिंग ली हुई है, यहां से जो है वो टैपिंग ली हुई है, इसके थ्रू कहां जा रहा है, देखिए ट्रांसफॉर्मर में, ये ट्रांसफॉर्मर है, ये जो है वो आपका क्या है, ट्रांसफॉर्मर है, ये ट्रांसफॉर्मर है। ट्रांसफॉर्मर यूजुअली जो है वो स्टेप डाउन करेगा वोल्टेज को। ठीक है, क्योंकि ये सारा पार्ट जो है, ये सारा पार्ट ये कंट्रोल सर्किट कहलाता है, ये क्या है आपका, कंट्रोल सर्किट, ये कंट्रोल सर्किट, और ये जो पूरा पार्ट है ये है आपका पावर सर्किट, ये जो पूरा पार्ट है ये क्या है आपका, पावर सर्किट। ठीक है, तो आपका कंट्रोल सर्किट में जो भी डिवाइसेस है वो यूजुअली लो वोल्टेज रेटिंग वाले हो गए, तो आपका ट्रांसफॉर्मर जो है वो वोल्टेज को स्टेप डाउन करेगा। फॉर एग्जांपल यहां पर 440 वोल्ट यहां तक आ रहा है, ये जो है वो लाइन टू लाइन वोल्टेज 440 है, ये जो है वो वोल्टेज 440 है, तो स्टेप डाउन करके फॉर एग्जांपल 110 वोल्ट पे लाएगा। ठीक है, ऐसे स्टेप डाउन किया। अब देखिए यहां पर से आपने सर्किट ब्रेकर ऑन किया तो यहां से पावर मिला, स्टेप डाउन वोल्टेज हुआ। ठीक है, स्टेप डाउन होके देखिए पावर कहां से आ रहा है, देखिए यहां से, ये वाले सर्किट पहले ट्रेस करिए, देखिए यहां से फ्यूज के थ्रू यहां पर पुश बटन, देखिए ये तो नॉर्मली क्लोज होगा स्टॉप पुश बटन तो, लेकिन यहां से पावर अटक जाएगा क्योंकि ये नॉर्मली ओपन होगा, स्टार्ट नहीं, जब तक आप पुश करेंगे तब तक ये क्लोज नहीं होगा, तो जैसे ही स्टार्ट बटन आप पुश करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा, तो आपकी सर्किट देखिए क्लोज हो गई, ये स्टॉप पुश बटन है वो तो क्लोज ही रहेगा, तो यहां से यहां देखिए 88 नंबर की कॉइल, ये कॉन्टेक्टर की कॉइल है, ये क्या है, कॉन्टेक्टर की कॉइल, कॉन्टेक्टर कॉइल, इसको सप्लाई मिलेगा जैसे ही स्टार्ट पुश बटन जो है वो आप पुश करेंगे, तो यहां से देखिए सप्लाई मिला, तो 88 कॉन्टेक्टर है, 88 नंबर का जो कॉन्टेक्टर है उसकी कॉइल को सप्लाई मिला, जैसे ही ये सप्लाई मिला तो ये नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट जो है वो क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, मैंने बताया था सप्लाई मिलेगा तभी ये क्लोज होगा, नॉर्मली ओपन है तो ये क्लोज हुआ, और यहां पर देखिए इसके थ्रू RYB या फिर UVW जो भी है थ्री फेज सप्लाई आपके इंडक्शन मोटर को मिलेगा, इंडक्शन मोटर आपकी स्टार्ट होगी। ठीक है, यहां पर पैरेलल में देखिए एक और चीज,
पैरेलल में भी एक स्टार्ट पुश बटन दिया हुआ है, तो पैरेलल में जो स्टार्ट पुश बटन है और ये स्टार्ट पुश बटन है उसमें डिफरेंस क्या है ये देखिए। यूजुअली क्या रहता है, आपका जो स्विच गियर कंट्रोल रूम होता है, इलेक्ट्रिकल का जो एक कंट्रोल रूम रहता है, वहां पर यूजुअली ब्रेकर और ये सारा सर्किटरी वगैरह वहां पर रहता है, मोटर कहीं और है, ठीक है, यहां से कहीं और दूर जगह फील्ड में आपकी मोटर है और आपका कंट्रोल रूम यहां है। तो यहां जो है वो आपका पूरा जो है वो सर्किट रहेगा, ये कंट्रोल सर्किट, ठीक है। तो यहां पर जो है वो यहां से भी मैं ऑन ऑफ करना चाहता हूं, और जो मोटर जहां पर है रिमोट लोकेशन पे मोटर है वहां भी एक स्टॉप और स्टार्ट पुश बटन दिया हुआ है ताकि वहां से भी मैं ऑन ऑफ कर पाऊं, ठीक है। मुझे दोनों ऑप्शन मिलना चाहिए, यहां से मैं अगर चाहूं तो भी स्टार्ट या स्टॉप कर पाऊं, वहां से रिमोट कंट्रोल में मतलब कि मोटर के पास से जो है वहां पर भी एक पैनल दिया हुआ है कि वहां पर से भी मैं स्टार्ट और स्टॉप कर पाऊं मोटर को, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो आपको ये बॉक्स में दिखाया हुआ है रिमोट कंट्रोल RC दिखाया हुआ, देखिए रिमोट कंट्रोल, तो रिमोट कंट्रोल का मतलब क्या है कि आपके मोटर के पास जहां पर ब्रेकर और ये सारा सर्किट जो है वो यहां पर है आपके कंट्रोल रूम में, और आपकी मोटर जो है वो फील्ड में है, तो फील्ड से भी वहां से भी आप ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो यहां पर स्टार्ट पुश बटन स्टॉप पुश बटन वहां पर भी दिया होगा कि वहां से भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। ये वो वाला है, ये देखिए ये स्टार्ट पुश बटन और ये स्टॉप पुश बटन, ये बॉक्स में नहीं है, देखिए ये बाहर ही है, मतलब कि ये यहां पर ही हो गए, ये जो कॉन्टेक्ट हो गए वो यहां पर ही हो गए, मतलब कि कंट्रोल रूम में। ये सारा पार्ट किसका है, कंट्रोल रूम का पार्ट है। ये जो आपको बॉक्स में दिखाया हुआ वो स्टार्ट स्टॉप पुश बटन कहां पर हो गए, रिमोट लोकेशन यानी कि मोटर के पास, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन हमें मिल रहे हैं कि वहां से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं मोटर को, कंट्रोल रूम से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से देखिए, ये जो मैंने स्टार्ट किया था वो कहां से किया था, रिमोट लोकेशन यानी कि मोटर के पास से। फॉर एग्जांपल मैं कंट्रोल रूम से स्टार्ट करना चाहता हूं मोटर को, तो देखिए जैसे ही सर्किट ब्रेकर ऑन हुआ तो यहां से पावर मिला, यहां पर ये देखिए यहां से पावर, ये नॉर्मली क्लोज था, इसको स्टार्ट किया मैंने, तो यहां से देखिए ये स्टॉप बटन के थ्रू यहां पर चला जाए, ठीक है। तो 88 नंबर की कॉन्टेक्टर की कॉइल को सप्लाई मिलेगा, ये क्लोज होगा, मोटर आपकी स्टार्ट होगी, ठीक है, सिंपल। अब देखिए, अब मैं मोटर मेरी स्टार्ट हो गई, उसके बाद जो है मैं अब स्टॉप करना चाहता हूं, स्टॉप भी मैं, मेरे पास दो ऑप्शन है, रिमोट कंट्रोल यानी कि मोटर के पास से भी स्टॉप कर सकता हूं, यहां से भी स्टॉप कर सकता हूं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं पहले यहां से स्टॉप करता हूं कंट्रोल रूम से, तो कंट्रोल रूम से मैं अगर स्टॉप करना चाहूं, मोटर चल रही है अभी, ठीक है, तो मेरा सप्लाई यहां पर चालू है, कॉन्टेक्टर को कॉइल को सप्लाई मिल रहा होगा तभी ये चल रही है मोटर। अब देखिए, अभी मुझे इसको ब्रेक करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये जो 88 नंबर का कॉन्टेक्टर है उसकी कॉइल का सप्लाई में हटा दूं, उसकी कॉइल का सप्लाई हट जाएगा तो ये फिर से ओपन हो जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट है, तो ये जो है वो ओपन हो जाएगा। तो देखिए वो कैसे हटाऊंगा, यहां से देखिए, यहां से पावर आ रहा था, ये देखिए ये वाला पावर स्टॉप पुश बटन, या ये जो है वो कंट्रोल रूम का स्टॉप पुश बटन है, ये जो है वो मोटर के पास जो रिमोट लोकेशन है वहां का स्टॉप पुश बटन है। तो यहां कंट्रोल रूम से मैं अगर स्टॉप पुश बटन पुश करता हूं अगर पुश, तो ये देखिए नॉर्मली क्लोज होगा तो ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अगर यहां से ओपन हो गया तो देखिए 88 नंबर की कॉन्टेक्टर की कॉइल को सप्लाई हट जाएगा, क्योंकि ये सारा कुछ सीरीज में है। तो स्टॉप पुश बटन को मैंने पुश किया, ओपन हो गया, 88 नंबर की कॉन्टेक्टर की कॉइल है उसको सप्लाई जो है वो हट गया। अगर सप्लाई जो है वो एब्सेंट है तो मेन कॉन्टेक्टर क्या है आपका, नॉर्मली ओपन, तो ये ओपन हो जाएगा और मोटर आपकी बंद हो जाएगी, क्योंकि यहां से यहां पावर जो है वो ट्रांसफर होगा नहीं, ठीक है। और अगर मैंने रिमोट कंट्रोल से भी स्टॉप करना है तो भी मैं कर सकता हूं, देखिए यहां से पावर आ रहा था, पहले मोटर चालू थी तब, अब रिमोट कंट्रोल से मैंने स्टॉप पुश बटन, ये भी सीरीज में ही है, तो देखिए यहां तक पावर आएगा लेकिन यहां से यहां पावर नहीं जाएगा, तो 88 नंबर की कॉन्टेक्टर की कॉइल को सप्लाई नहीं मिलेगा, ये आपका फिर से ओपन हो जाएगा और मोटर बंद हो जाएगी, ठीक है। इतने तक समझ में आया। अब एक और चीज देखिए, ठीक है, ये हमने स्टार्ट स्टॉप कंट्रोल रूम से और रिमोट लोकेशन दोनों से देख लिया। अब और एक चीज देखिए, ये जो है ये कॉन्टेक्ट है, देखिए ये ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट बोलते हैं, ये जो है वो आपका मेन कॉन्टेक्ट है,
ये आपका ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है, ठीक है। ये 88 स्मॉल ए लिखा हुआ है, 88 स्मॉल ए, यानी कि मैं फॉर एग्जांपल स्टार्ट पुश बटन जो है वो पे पुश करता हूँ, मोटर स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट बटन जो है वो मैं पुश करता हूँ, तो मैं पुश करके ही तो नहीं रहूँगा वहाँ पर, मैं फिर छोड़ भी दूंगा, एक बार पुश करके छोड़ भी दूंगा। ऐसा थोड़ा है कि मुझे एक घंटे तक मोटर चलानी है तो मैं एक घंटे तक दबाए रखूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए जैसे ही मुझे मोटर अभी ऑफ है, मोटर अभी ऑफ है, मुझे स्टार्ट करना है, ठीक है, तो मैंने सर्किट ब्रेकर ऑन किया, यहाँ से पावर आया, यहाँ से ट्रांसफॉर्मर के थ्रू स्टेप डाउन होकर वोल्टेज यहाँ पर आया, ये नॉर्मली क्लोज है, ठीक है। यहाँ से देखिए ये स्टार्ट बटन रिमोट कंट्रोल वाला देखते हैं, तो मैंने पुश किया तो ये नॉर्मली ओपन था तो वो क्लोज हो गया, जैसे ही पुश किया तो क्लोज हो गया, सर्किट क्लोज हुई, 88 को सप्लाई मिला, कॉइल को सप्लाई मिला, कॉइल को सप्लाई मिला तो मोटर आपकी स्टार्ट हुई। लेकिन फिर आप हटा भी लेंगे स्टार्ट करके, तो देखिए जैसे ही 88 नंबर की कॉइल को सप्लाई मिलेगा तो ये आपका नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है, ये यही कॉन्टैक्टर की कॉइल का एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट यहां पर भी यूज किया है। तो जैसे ही इसको सप्लाई मिला, आपने स्टार्ट पुश बटन दबाया, इसको सप्लाई मिला, तो ये नॉर्मली ओपन क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, नॉर्मली ओपन क्या हो जाएगा, क्लोज। तो देखिए आपका यहां पर क्लोज, अब आपने आपका हाथ हटा भी लिया स्टार्ट पुश बटन से तो भले ही ये ओपन हो जाएगा, लेकिन ये सर्किट कहां से कंप्लीट होगी, देखिए यहां से स्टॉप बटन के थ्रू, ये कॉन्टैक्टर के थ्रू, क्योंकि ये तो क्लोज हो गया होगा, और यहां से स्टॉप पुश बटन के थ्रू 88 को सप्लाई मिलता रहेगा। जब तक आप स्टॉप पुश बटन पुश नहीं करेंगे तब तक आपकी मोटर चालू रहेगी, तब तक कॉइल को सप्लाई मिलता रहेगा, ठीक है, ये बात समझ में आ रही। आपका स्टार्ट पुश बटन को जो है वो होल्ड आप जो है वो लंबी देर तक नहीं कर सकते, एक बार आपने पुश किया फिर वापस हाथ ले लेंगे, तो एक बार जब आपने पुश किया तब तो सप्लाई मिल रहा है, लेकिन वही कंटिन्यू सप्लाई मिलता रहना चाहिए, तो वही मिलता रहने के लिए इस कॉन्टैक्ट का यूज़ किया है, मतलब कि आपके कॉन्टैक्ट को जो है वो होल्ड करने के लिए उसका यूज़ किया है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, होल्डिंग कॉन्टैक्ट या फिर लेचिंग कॉन्टैक्ट भी बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, होल्डिंग कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये होल्डिंग कॉन्टैक्ट है, मतलब कि आपको स्टार्ट पुश बटन जो है वो दबाए रखने की जरूरत नहीं है, ये फिर उसके बाद जो है वो यहां से सप्लाई मिलता रहेगा, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब होल्डिंग कॉन्टैक्ट का मीनिंग भी हमें समझ में आ गया। अब जो है वो कुछ यहां पर जो है वो PL ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है, उसका मीनिंग समझ लेते हैं। तो ये जो है वो मोस्टली इंडिकेशन के लिए यूज होता है। ये PL का मीनिंग क्या होता है, पायलट लैंप, L होता है उसका सिर्फ लैंप या फिर पायलट लैंप। पायलट लैंप का मीनिंग क्या होता है, देखिए मतलब कि एक तो सर्किट ब्रेकर आपको ऑन करना पड़ेगा, सर्किट ब्रेकर आप ऑन होगा या फिर ऑफ होगा, ये दो कंडीशन हो सकती है। फिर जो है वो सर्किट ब्रेकर ऑन करने से भी आपकी मोटर ऑन नहीं होगी, सिर्फ सप्लाई मिलेगा। सर्किट ब्रेकर ऑन किया मतलब कि सप्लाई आपका अवेलेबल है, देखिए सर्किट ब्रेकर ऑन किया उसका मतलब यहां तक जो है वो आपका सप्लाई अवेलेबल है। अब आप स्टार्ट पुश बटन पुश करेंगे तो जो है वो आपकी मोटर स्टार्ट होगी, मतलब सर्किट ब्रेकर ऑन होने का मीनिंग क्या है कि आपका सप्लाई जो है वो अवेलेबल है। अगर सर्किट ब्रेकर ऑफ है तो सप्लाई ही अवेलेबल नहीं है, फिर तो आप सप्लाई अवेलेबल नहीं है तो स्टार्ट पुश बटन पुश करेंगे तो भी यहां से कुछ पावर ही नहीं आ रहा होगा, मतलब कि सर्किट ब्रेकर जब ऑन होगा तो आपका सप्लाई अवेलेबल है, ठीक है। तो उसके लिए भी एक इंडिकेशन होना चाहिए कि सर्किट ब्रेकर ऑन है या ऑफ है, तो एक आपका एक आपका लैंप होगा छोटा सा, ठीक है, सप्लाई फॉर एग्जांपल सप्लाई करके, तो ये जब आपका ऑन होगा, जब आपका सर्किट ब्रेकर ऑन होगा तब वो लैंप ग्लो करना चाहिए। लैंप ग्लो करेगा उसका मीनिंग क्या है कि आपका सप्लाई जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। तो देखिए जैसे ही सर्किट ब्रेकर ऑन होगा तो यहां पर पावर आएगा, यहां पर देखिए ये पावर आया तो ये ट्रांसफॉर्मर के थ्रू स्टेप डाउन होके यहां से देखिए ये वाला फ्यूज के थ्रू, थर्ड फ्यूज के थ्रू देखिए यहां पर जो है वो सप्लाई मिलेगा, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये देखिए। तो ये पायलट लैंप जो है ये भी देखिए डॉटेड लाइन में दिखाया हुआ है, मतलब कि ये पायलट लैंप कहां पर होगा, रिमोट लोकेशन पे होगा,
कि यहाँ कंट्रोल रूम में नहीं होगा, तो वहां पर दिखाएगा कि आपका सर्किट ब्रेकर जो है वो ऑन है। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू भी देखा जाता है कि सर्किट ब्रेकर ऑन है या ऑफ है, जो अगर कोई पर्सन वहां पर काम कर रहा है तो उसको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वो मेंटेनेंस करने जा रहा है तो ये सप्लाई जो है वो बंद होना चाहिए, ठीक है, सप्लाई बंद होना चाहिए, ताकि अगर आपका सप्लाई बंद है तो फिर यहां से कोई स्टार्ट कर देता है तो भी आपका स्टार्ट होगा नहीं, उसके लिए लॉकआउट वगैरह भी किया जाता है। ठीक है, लॉकआउट करके मतलब उसको टैग लगाना होता है कि आप जो है वो अभी डू नॉट ऑपरेट, ठीक है, डू नॉट ऑपरेट वगैरह का टैग लगाते हैं, ताकि जो है वो अगर कोई पर्सन वहां पर काम कर रहा है तो ये सर्किट ब्रेकर ऑन ना करे। ठीक है, यहां पर हम टैग लगा देंगे। तो सर्किट ब्रेकर ऑफ है तो ये जो है वो यहां से पावर यहां तक आ ही नहीं रहा होगा, सर्किट ब्रेकर ऑफ है तो यहां पर पावर भी नहीं होगा, यहां पावर नहीं होगा तो ये पावर जो है वो आपका स्टेप डाउन होके यहां पर भी पावर नहीं होगा, तो ये लैंप जो है वो ग्लो नहीं करेगा। लेकिन अगर आपका सर्किट ब्रेकर ऑन है तो यहां पर देखिए इसके थ्रू जो है वो यहां पर पावर आएगा, ये आपका ट्रांसफॉर्मर है। ठीक है, ये लैंप का वोल्टेज जो है वो कम है, फॉर एग्जाम्पल उसका रेटिंग जो है वो कम है, तो यहां पर 110 वोल्ट जो आ रहा है उसको भी कम करना पड़ेगा, स्टेप डाउन करना पड़ेगा, तो उसके लिए है। ठीक है, तो आपका पायलट लैंप जो है वो अगर ग्लो कर रहा है उसका मीनिंग क्या है, सर्किट ब्रेकर आपका क्लोज है। सिमिलरली यहां पर देखिए ये पायलट लैंप, ये देखिए पीएल, तो ये भी सेम है, ये दोनों सेम ही है, इंडिकेशन सेम ही है कि ये ग्लो कर रहे हैं दोनों पीएल, तो इसका मीनिंग क्या है, सर्किट ब्रेकर ऑन है। अगर दोनों ग्लो नहीं कर रहे तो सर्किट ब्रेकर ऑफ है। लेकिन ये दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये रिमोट लोकेशन पे होगा, देखिए डॉटेड लाइन पे दिखाया हुआ है, तो वो रिमोट लोकेशन मोटर के पास होगा, लेकिन ये वाला लैंप जो है वो यहां पर होगा कंट्रोल रूम में, तो कंट्रोल रूम में भी दिखाएगा। देखिए जैसे ही सर्किट ब्रेकर आपने ऑन किया तो यहां पावर आएगा, यहां से देखिए ट्रांसफॉर्मर के थ्रू यहां पर पावर मिलेगा। ठीक है, तो अगर ये ग्लो कर रहा है उसका मीनिंग क्या है, सर्किट ब्रेकर ऑन है। सिर्फ सर्किट ब्रेकर ऑन करने से मोटर ऑन नहीं होगा। ठीक है, अब जो है वो आपका स्टार्ट पुश बटन भी, आप मतलब कि मोटर जो है वो रन कर रहा है या नहीं वो भी आपको देखना पड़ेगा, उसके लिए भी एक इंडिकेशन होगा। मोटर फॉर एग्जांपल ऑन है, मोटर जो है वो ऑन है मतलब कि चालू है, या फिर मोटर ऑफ है, ये दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो यहां पर भी एक इंडिकेशन लैंप होगा। ठीक है, ये जो है वो रन का फॉर एग्जांपल इंडिकेशन है, ये ग्लो हो रहा है उसका मीनिंग क्या है, मोटर ऑन है। ये ग्लो हो रहा है उसका मीनिंग क्या है, मोटर ऑन है। अगर ये ग्लो नहीं हो रहा है तो मोटर ऑफ है। सर्किट ब्रेकर ऑन हो या ऑफ हो, सर्किट ब्रेकर ऑन है तो भी जो है वो मोटर चालू होगा, वो जरूरी नहीं है, क्योंकि सर्किट ब्रेकर ऑन होने के बाद भी आपको स्टार्ट पुश बटन तो एक बार पुश करना पड़ेगा। ठीक है, तो दो इंडिकेशन आपके पास होते हैं, एक सप्लाई का मतलब कि सर्किट ब्रेकर ऑन है या नहीं है, और एक मोटर का कि मोटर चालू है या नहीं है। ठीक है, ये देखिए ये एल के थ्रू रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये जो आपका एल है ना वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए जैसे सर्किट ब्रेकर पहले अब ऑन है, तो सर्किट ब्रेकर ऑन है तो ये सप्लाई वाला जो पीएल वाला है वो तो ऑन होगा। ठीक है, मतलब कि सप्लाई तो यहां तक तो अवेलेबल है, लेकिन मोटर रनिंग कंडीशन में है या फिर स्टॉप मतलब स्टैंड स्टिल कंडीशन में, वो कैसे पता चलेगा, वो ये लैंप के थ्रू। देखिए यहां से पावर आया, सर्किट ब्रेकर ऑन है, इसलिए यहां पर ये लैंप जो है वो ग्लो करने के लिए मेरा ये कॉन्टेक्ट जो है वो ऑन होना चाहिए, मतलब कि क्लोज होना चाहिए। ये नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट है, देखिए 88 स्मॉल है, मतलब कि 88 जो कॉन्टेक्टर है उसका नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट यहां पर भी यूज किया है। इसका मेन कॉन्टेक्ट जो है वो यहां पर यूज किया था, इसका एक ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट यहां एज ए होल्डिंग कॉन्टेक्ट यूज किया, एक और नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट जो है वो यूज किया है यहां पर। तो जब आप स्टार्ट पुश बटन दबाएंगे कॉइल को सप्लाई मिलेगा, कॉइल को सप्लाई मिलेगा मतलब कि आपकी मोटर जो है वो स्टार्ट होगी, मोटर स्टार्ट होगी, यानी कि कॉइल को जब सप्लाई मिलेगा तब ये नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट क्या हो जाएगा, क्लोज। तो क्लोज हो जाएगा तो ये लैंप ग्लो करेगा। कॉइल को सप्लाई मिलना उसका मीनिंग क्या है, मोटर जो है वो रन कर रही है। कॉइल को सप्लाई मिलना उसका मीनिंग ये है कि मोटर रन कर रही है। मोटर अगर कॉइल को सप्लाई मिल रहा है यानी कि मोटर रन हो रही है तो जो है वो ये लैंप ग्लो करेगा। अगर मोटर को सप्लाई नहीं मिल रहा है तो ये जो है वो इसकी कॉइल को भी सप्लाई नहीं मिल रहा होगा, कॉइल को सप्लाई नहीं मिल रहा होगा मतलब ये नॉर्मली ओपन होगा, तो यहां से ये लैंप ग्लो करेगा नहीं। मतलब कि एल जो लैंप है वो ग्लो कर रहा है उसका मीनिंग क्या है, मोटर रन कर रहा है। और अगर लैंप जो है वो ऑफ कंडीशन में है मतलब कि ग्लो नहीं कर रहा है तो मोटर जो है वो स्टॉप कंडीशन में है। ठीक है, इसका मीनिंग समझ में आया। ये आपका सप्लाई जो है
सप्लाई का लैंप है पीएल, ये ग्लो कर रहा है, इसका मीनिंग क्या है आपका, सर्किट ब्रेकर ऑन है, ठीक है। ये जो है वो डार्क है, मतलब कि ग्लो नहीं कर रहा है, तो इसका मीनिंग क्या है, सर्किट ब्रेकर ऑफ है। सर्किट ब्रेकर ऑन है तभी जो है वो आप ऑन ऑफ की बात कर सकते हैं, सर्किट ब्रेकर ही ऑफ है तो फिर ऑन ऑफ की बात ही नहीं होगी, ठीक है। ये जो है वो आपका लैंप है, ठीक है, ये अगर ग्लो कर रहा है, ये ग्लो कर रहा है, इसका मीनिंग क्या है, आपका मोटर जो है वो रनिंग कंडीशन में है, मोटर क्या है, रनिंग कंडीशन में है। और अगर ये जो है वो डार्क है, मतलब कि ग्लो नहीं कर रहा है, तो मोटर क्या है, ऑफ कंडीशन में। समझ आया ये बात, ठीक है। तो यहां पर देखिए, ये लैंप जो है वो, इसका मीनिंग समझ में आ गया, पीएल पीएल दोनों जो है वो सप्लाई के लिए है, कि सर्किट ब्रेकर ऑन है या नहीं है, सप्लाई अवेलेबल है या नहीं है, उसके लिए है। और ये लैंप किसके लिए है, आपका मोटर चालू है या बंद है, ठीक है। अब एक और चीज देखिए, ये ओवरलोड रिले जो है वो मैंने बोला था कि वो सेंस करता है, हम थियोरेटिकली भी पढ़ते हैं कि रिले जो है वो फॉल्ट को सेंस करता है, फॉर एग्जांपल ओवरलोड कंडीशन को सेंस करता है। तो आपके ओवरलोड कंडीशन को कैसे सेंस करेगा, क्योंकि ये जो 51 नंबर का ओवरलोड रिले है उसका नॉर्मली कॉन्टैक्ट जो है वो यहाँ पर, नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट जो है वो यहाँ पर यूज किया है, देखिए 51 स्मॉल बी, मतलब कि ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है किसका, ओवरलोड रिले का। अब देखिए, जब आपका नॉर्मल कंडीशन में मोटर रन कर रहा है तब तो नॉर्मल करंट ही ले रहा होगा, कोई फॉल्ट नहीं है, तो मोटर में अगर कोई फॉल्ट नहीं है तो फिर आपका करंट भी नॉर्मली होगा। तो जब तक नॉर्मल एक प्रिस्क्राइब लिमिट में करंट है तब तक जो है वो ये नॉर्मली क्लोज ही रहेगा, लेकिन अगर कुछ फॉल्ट की वजह से ओवर करंट फ्लो हो रहा है, ओवर करंट जो है वो ड्रॉ कर रहा है मोटर, तो जो है वो ये नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, ये ओवरलोड रिले सेंस करेगी ओवर करंट को, और ये नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, मतलब कि यहां से ओपन हो जाएगा, ठीक है, ये ओपन हो गया, तो यहां से जो पावर आ रहा था वो अब इस तरफ नहीं जाएगा। अगर यहां नहीं जाएगा तो कॉन्टेक्टर की कोयल को सप्लाई मिलना बंद हो जाएगा, कोयल को सप्लाई मिलना बंद हो जाएगा, तो ये कॉन्टेक्टर जो है वो आपकी मोटर को आइसोलेट कर देगा सप्लाई से, ठीक है। तो आपके देखिए, आपका ब्रेक करने का जो काम है वो कॉन्टेक्टर ने ही किया है, वो ओवरलोड रिले ने नहीं किया है, ओवरलोड रिले जो है वो ब्रेक नहीं कर रहा है, ओवरलोड रिले ने सिर्फ सेंस किया, रिले ने सिर्फ सेंस किया फॉल्ट को, सेंस के अनुसार जो है वो कंट्रोल सर्किट में एक उसका नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट यूज किया था, उन्होंने क्या किया, वो ओपन हो गया, तो कोयल को सप्लाई मिलना बंद हो गया कॉन्टेक्टर की, तो मेन कॉन्टेक्ट जो है वो आपका ओपन हो गया। तो कॉन्टेक्टर जो है वो मेक और ब्रेक का काम करते हैं, ना कि रिले, रिले सिर्फ सेंस करता है फॉल्ट, ठीक है। और ये थियोरेटिकली हम पढ़ते भी है कि रिले सेंस करता है फॉल्ट को, और वो कैसे करता है वो हमने देखा अभी यहां, ठीक है। तो ये जो था वो हमारा पूरा ड्यूएल स्टार्टर था, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, हम देखिए डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है यहां पर, ना तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर, स्टार डेटा ट्रांसफॉर्मर, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल है, एकदम डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है। लेकिन यहां पर बहुत सारी चीजें होती है जो थियोरेटिकली हम यूजुअली पढ़ते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो है, प्रैक्टिकली ये ग्राउंड लेवल पे कैसे ट्रबल शूट वगैरह होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, कि इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है। अगर इतना बेसिक फंडामेंटल भी आपको पता है तो जब भी आप इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, मतलब कि इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में, आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जाते हैं तो वहाँ पर जो है वो आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है, नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्टर की कोइल, उसका भी नॉलेज है, तो सामने वाले को पता चल जाता है कि आपको नॉलेज है, बेसिकली सिर्फ थियोरेटिकली नॉलेज नहीं है, प्रैक्टिकल भी उसका यूटिलाइजेशन। हमने देखा ना, आप पढ़ा होगा कि रिले जो है वो सेंस करता है, लेकिन सेंस कैसे करता है, वो मेक और ब्रेक का काम जो है वो कॉन्टेक्टर ही करता है, कॉन्टेक्टर के पास से ही जो वो सारा कुछ काम करवा रहा है रिले, लेकिन वो सिर्फ सेंस कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो प्रैक्टिकली आपको यूजफुल होती है, और बेसिकली यूजुअली जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जो लोग होते हैं, जिसकी एक्सपर्टी होती है, वो यूजुअली थियोरेटिकल फील्ड में नहीं आते, वो यूजुअली थियोरेटिकल फील्ड में, मतलब टीचिंग फील्ड वगैरह में नहीं आते, इसीलिए जो है वो उसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज वहाँ पर रह जाता है, और जो थियोरेटिकली पीएचडी वगैरह थ्योरी में जो सारा कुछ किया है वो उन्होंने कभी इंडस्ट्री देखा नहीं होता है, तो उनका क्या रहता है कि वो सिर्फ थियोरेटिकली बात करते हैं। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली, जो मेरा ओपिनियन है कि जब आप प्रैक्टिकल चीज़ों को थियोरी के साथ लिंक करते हैं, तब जो है वो आपका कंसेप्ट जो है वो और
स्ट्रांग होते हैं और आप हर कंसेप्ट को फिल कर पाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो यूजुअली ड्यूअल स्टार्टर में रहती है। अगर इतना आपको बेसिक पता है तो बाकी चीज़ें जो हो आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए C1, C2, C3, C4, C5 ये जो है वो सिर्फ टर्मिनल है, मतलब कि कंट्रोल रूम से कुछ वायर्स जो है वो रिमोट लोकेशन पे भी जा रहे होंगे। रिमोट लोकेशन किसके लिए? ये लैंप के लिए, स्टार्ट स्टॉप पुश बटन के लिए। तो यहाँ से कुछ वायर जा रहे होंगे और वो कौन से वायर जा रहे होंगे वो नंबरिंग यहाँ पर लिखा होगा। ठीक है, तो ये जो आपके टर्मिनल है वो कहाँ पर जा रहा है? रिमोट लोकेशन पे, कंट्रोल रूम से रिमोट लोकेशन पे। ठीक है, उसके नंबरिंग के अनुसार वहाँ पर भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये फ्यूज दिए हुए हैं, फ्यूज देखिए, फ्यूज किसके लिए होते हैं? आपके प्रोटेक्शन, फ्यूज इज अ बेसिक प्रोटेक्टिव एलिमेंट। ठीक है, तो वो प्रोटेक्शन के लिए ही यूज होता है। अब देखिए, अगर आपको कुछ ट्रबल शूट करना है फॉर एग्जाम्पल, तो जैसे कि आपका जो है वो सप्लाई का इंडिकेशन आ रहा है, मतलब कि आपने पावर चेक किया सर्किट ब्रेकर ऑन करके, तो या मल्टीमीटर से आपने वोल्टेज चेक किया तो वोल्टेज तो आ रहा है। ठीक है, एक मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि यहाँ पर जो है वो आपका सप्लाई तो आ रहा है, तो हमने वोल्टेज चेक किया यहाँ पर सप्लाई आ रहा है, लेकिन मोटर को जब भी स्टार्ट करने जाते हैं तो वो स्टार्ट नहीं हो रही है। तो क्या रीज़न हो सकता है? देखिए, बेसिकली जो मेरा एक्सपीरियंस था उसमें क्या रीज़न था, बाकी अलग अलग रीजन हो सकते हैं। ठीक, लेकिन एक रीज़न से आप जो है वो थोड़ा रिलेट कर पाएंगे। यहाँ से जो है वो हमने सप्लाई देखा, तो ट्रांसफार्मर के इनकमिंग आउटगोइंग दोनों में सप्लाई आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इनकमिंग में 440 वोल्ट आ रहा है, आउट सेकेंडरी में आपका 110 वोल्ट भी आ रहा है, तो यहाँ तक भी सप्लाई आ रहा है। लेकिन कॉन्टेक्टर की कोइल को जो है वो सप्लाई देखा हमने, स्टार्ट पुश बटन पुश करके, ये स्टार्ट पुश बटन जो है वो हमने पुश करके उसके बाद जो है वो सप्लाई मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए? 110 वोल्ट, 110 वोल्ट जो है वो मिलना चाहिए उसको। तो 110 वोल्ट जो है वो यहाँ पर आना चाहिए जब आप स्टार्ट पुश बटन पुश करते हैं। लेकिन आपका स्टार्ट पुश बटन अगर खराब है, वही फॉल्टी है, मतलब कि ये नॉर्मली ओपन ही रह रहा है, पुश करने के बाद भी क्लोज नहीं कर पा रहा है, तो 88 नंबर की कोइल को जो है वो सप्लाई नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको स्टार्ट, आपको पता चल गया कि यहां तक तो वोल्टेज आ रहा है, लेकिन यहां पर जो है वो स्टार्ट पुश बटन पुश करने के बाद भी वोल्टेज नहीं आ रहा है, 110 वोल्ट जो आना चाहिए, वो तो मल्टीमीटर से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टार्ट पुश बटन में ही कुछ गड़बड़ है, या तो इसके फ्यूज में भी हो सकता है, फ्यूज जो है वो अगर ब्लो हो गया है तो जो है वो ये आइसोलेट कर देगा, तो फ्यूज को भी आप कंटिन्यूटी से चेक कर सकते हैं कि ये जो है वो फ्यूज ब्लो हुआ है या नहीं हुआ है, मतलब हेल्दी है या हेल्दी नहीं है। ठीक है, तो ये भी आप कंटिन्यूटी से चेक कर सकते हैं। फ्यूज अगर ब्लो कर दिया है तो भी जो है वो ऑन नहीं होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है, तो फिर आगे बढ़ेंगे, फ्यूज देखेंगे, फ्यूज ओके है, ये नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट ऑलरेडी नॉर्मली क्लोज दिखा रहा है, क्योंकि अगर आपका ओवरलोड रिले जो है वो फॉल्टी हो गया तो भी इट माइट बी पॉसिबल कि ये ओपन दिखा रहा हो, तो भी नहीं होगा, तो ये आप कंटिन्यूटी से देख सकते हैं कि नॉर्मली क्लोज है या नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो है वो स्टार्ट पुश बटन को भी आप देख सकते हैं कि स्टार्ट पुश बटन पुश करने के बाद नॉर्मली मतलब क्लोज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो आपको स्टार्ट पुश बटन जो है वो क्या करना पड़ेगा? रिप्लेस करना पड़ेगा। स्टार्ट पुश बटन आप रिप्लेस कर देंगे तब आपकी सर्किट जो है वो वापस नॉर्मली रन करने लगी। ठीक है, हर एक एलिमेंट का ऐसे ही आप कंटिन्यूटी वोल्टेज वगैरह से आप चेक कर सकते हैं। लेकिन अब अगर आपको ये ड्राइंग का आइडिया है तब जो है वो आप प्रॉब्लम को जो है वो इजीली ट्रबल शूट कर सकते हैं। अब देखिए, ये वीडियो जो है वो आपको कैसा लगा, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल वर्ल्ड को जो है वो थ्योरी के साथ लिंक करने की ट्राई की है। ठीक है, तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। अगर कुछ पॉजिटिव रिव्यू है तो भी आप जो है वो कमेंट में लिखिए, वो जो है वो हमें एनकरेज करते हैं और अच्छे वीडियो लाने के लिए। ठीक है, और अगर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत लगती है तो भी जो है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि हम हमारी चीज़ों जो हम डिलीवर कर रहे हैं उसको भी हम इम्प्रूव कर पाए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।